वेलकम बैक माय चैनल भारतीय खाना खजाना। आज मैं आप सभी को हांडी मटन की रेसिपी बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने देखिए जो ये मटन ली है 2 kg है। और इसमें सॉरी गाइज, इसलिए जो मैं आप लोग को जो पूरा प्रोसेस नहीं बता सकी, क्योंकि आज मैं अपनी जन्मभूमि इतनी खुश थी जो मैं ये रिकॉर्ड ऑन करना ही भूल गई, तो इसके लिए सॉरी। तो मैं देखिए इसमें जो है जो मैं 1 kg जो है प्याज कट के रखी है, आज खड़े मीट मसाले में बनानी है हांडी मटन की रेसिपी। तो 1 kg मैंने इसमें प्याज रखी है, और ये जो है कुछ लहसुन कूच के रखे हैं, और कूच के रखे पीसना नहीं, पेस्ट नहीं बनाना है। हरी मिर्च कूट के रखे हैं, और इसके अदरक कूट के रखे हैं, और इसके बाद हम जो है 1 कटोरी दही इसमें रखे हैं, और इसके बाद जो है हल्दी पाउडर रखे हैं 2 चम्मच, और इसके बाद हमने जो है आज इसमें बस ये चीज़ रखे हैं, और गरम मसाले और जो है मीट मसाले बस, ना इसमें कोई पेस्ट कुछ नहीं, सब कुछ मैंने आज खड़ा यूज किया है। और ये हांडी मटन खड़ा मसाले से मैं आज आप लोग को ये जो हांडी मटन की रेसिपी बता रही हूँ। और इसके बाद दही मिक्स करके इसमें जो है सरसों के तेल जो है रखनी है कुछ, और जो है इसमें 100 ग्राम करीब इसमें सरसों के तेल आप रख दीजिए, और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ बहुत, यानी कि आप जितना आप इसको अच्छे से मिक्स करिएगा उतना ही आपका हांडी मटन का जो है टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आएगा। और इसके बाद मैंने इसमें जो है बस 1 चम्मच बड़े चम्मच जो है इसमें रखे मिर्ची पाउडर, ताकि इसमें जो है टेस्ट थोड़ा आपका टेस्ट और कलर भी अच्छा आए, इसलिए मैंने इसमें मिर्ची पाउडर भी रख दिए। और इसके बाद ये जो रख के सामग्री, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, और जो है 2 चम्मच रख दिए मिर्ची पाउडर, और इसके बाद इसमें जो मैं ये गरम मसाले रख दिए हैं, और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने के बाद इसको जो है आधा घंटा आप इसको 30 मिनट आप अच्छे से मिक्स कीजिए, जितना मिक्स कीजिएगा उतना ही आपका जो है हांडी मटन का बहुत ही गजब टेस्ट आएगा। तो इसके बाद मेरे पास तो मटका था नहीं, क्योंकि मैं जब आज आई हूँ तो उसके लिए मेरे पास तो टाइम नहीं था जो मटका का जुगाड़ करना, तो मैंने एक जो है तसला ले लिया, उसमें मैंने सभी खड़े मसाले लिए, जो तेज पत्ता है, जीरा है, खड़ी मिर्च है, और जो है बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, और जो है दालचीनी है, और सभी को मैंने तेल में रख के, मैंने तेल जो है इसमें लिए है यानी कि 250 ग्राम तेल है, क्योंकि हमारा मटन जो है ज़्यादा है, तो मैं पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ। तो इसके बाद मैं हांडी को गर्म होने के लिए फ़ौरन रख के इसको चटकने के लिए छोड़ दी हूँ, और इसके बाद हमें जो है इसमें जो इसको जो हम मटन को जो मिक्स करके रखे हैं इसको रेस्ट पे रखेंगे, उसके बाद इसमें हम हांडी में रख देंगे, और रख के इसमें जो है एक हमें ढक्कन लेनी है इसकी साइज का, जो इसमें एकदम परफेक्ट ये हो, इनमें ना चलाना है कुछ नहीं आपको करना है, बस इसको ढक के आधा घंटा के लिए आप इसको छोड़ दें, चलाना भी नहीं है कुछ नहीं करना है, बस रख के एकदम सीम करके फ्लेम रख दें, और इसके बाद आधा घंटा के बाद आप इसको ढक्कन देखिए ऑन हटा के, तो देखिए आपका जो है मटन एकदम रेडी हो चुका है। तो ये देख लीजिए हमारा जो हांडी मटन है एकदम रेडी हो चुका है। अगर देख लें अगर आपका नहीं ठीक से पका है तो इसको फिर ढक के रख सकते हैं, तो इसमें ये नहीं, क्योंकि आप इसमें तो देख सकती हैं चलाना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद हमें जो है गैस ऑफ करके 1 चम्मच हमें जो है इसमें घी रख देनी है। घी रखने से ये होता है जिसका जो अगर आपका जो इसमें टेस्ट है ना बहुत अच्छी आती है, तो आप लोग इसी प्रोसेस में आप लोग ज़रूर बनाएं। और इसके बाद आज मेरे पूरे फैमिली ने जो खाया है तो सभी को बहुत बहुत ही स्वादिष्ट लगा है, तो मैं ये वीडियो भी मैं डालूँगी आप लोग को। तो हम लोग आज पूरा फैमिली बहुत ही इंजॉय किए हैं। तो ये देखिए हमारा जो है हांडी मटन कितना लाजवाब बना है। इसके बाद इसमें जो है मैं धनिया के पत्ते से जो है डेकोरेट कर लेनी है, और इसके बाद आप लोग सभी गरम गरम इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप में है, आप लोग पूरा देखें, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आप सभी तक बिहार और मिथिला की रेसिपी, राज्य तक अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि की जो है सभी रेसिपी